सांसद नवनीत राणा को उद्धव गुट की विधायक ने दिया जवाब। विधायक मनीषा कायांडे ने कहा, नवनीत राणा को पहले अपने पिता को ढूंढना चाहिए। राणा ने कहा था, बाला साहब ठाकरे भी आंसू बहा रहे होंगे कि जिस बच्चे को उन्होंने जन्म दिया उसने मातोश्री में मेरी विचारधारा नहीं रखी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भगवान रामलला के करेंगे दर्शन। सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार 9 अप्रैल को जाएंगे अयोध्या। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात करेंगे। जोर शोर से चल रही हैं अयोध्या दौरे की तैयारियां। उद्धव गुट की फडणवीस और गडकरी के गढ़ को भेदने की तैयारी। 16 अप्रैल को नागपुर में होगा महासभा का आयोजन। बीजेपी विधायक कृष्णा खोपड़े ने इस बैठक का किया विरोध। खेल मैदान को राजनीतिक सभा के लिए दिए जाने पर उठाए सवाल। मुंबई में अवैध फिल्म स्टूडियो पर चला प्रशासन का बुलडोजर। राम सेतु और आदि पुरुष जैसी बड़े बजट वाली फिल्में यहाँ हुई शूट। 5 लाख वर्ग फीट में फैला था हाईटेक स्टूडियो। 2021 में 1,000 करोड़ की लागत से बना था फिल्म स्टूडियो। बीजेपी नेता क्रीट सुमैया की शिकायत पर अवैध स्टूडियो पर चला बीएमसी का बुलडोजर। पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और असलम शेख की शह पर अवैध स्टूडियो बनाने का आरोप। बीएमसी की कार्रवाई पर सौम्या ने कहा, ठाकरे सरकार के भ्रष्टाचार का स्मारक आज नष्ट हुआ। उद्धव गुट की कार्यकर्ता पर हमले को लेकर गरमाई सियासत। अब महाराष्ट्र महिला आयोग ने ठाणे पुलिस आयोग से घटना की रिपोर्ट मांगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में एक अपमानजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर रोशनी शिंदे पर हुआ था हमला। मराठी रेपर राजमुंगा से एकनाथ शिंदे सरकार को बदनाम करने के आरोप में गिरफ्तार। एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड ने रैप गायक का वीडियो किया ट्वीट। पूछा उसका अपराध क्या है, उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया। पुलिस पहले यह स्पष्ट करेगी 50 पेटियां किसके नाम पर। महाराष्ट्र में तेजी से पैर पसार रहा कोरोना। रोजाना 500 से ज़्यादा मिल रहे नए केस। बीते 24 घंटे में 803 नए मामले आए सामने। अकेले मुंबई में ही मिले कोरोना के 216 नए मामले। कोरोना से 3 लोगों की जान भी गई। स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने भी प्रोटोकॉल पालन करने की अपील की। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 9 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी। 2 दिन से लापता थी बच्ची। पानी की टंकी से बरामद हुआ सड़ा गला शव। भिवंडी के शांतिनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुंबई के दहिसर में दर्दनाक हादसा। डंपर ने स्कूल जा रही बच्ची को कुचला। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत। मौके पर मौजूद लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया। मां के साथ स्कूल जा रही थी मासूम।